हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया, येलो अलर्ट। दक्षिण भारत में इन दिनों मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालत को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर विभाग ने एक बार फिर देश के कई राज्यों में भारी की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग की माने तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ महाराष्ट्र के समुद्री तटीय इलाकों, पांडुचेरी, केरल, कर्नाटक 11 नवंबर तक भारी बारिश हो सकती है। समुद्र किनारे वाले इलाकों में मछुआरों को गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में सर्दी के आगमन के बावजूद भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के दो जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में बना मौसमी सिस्टम। कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्व और इससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। संबंधित चक्रवाती परिसंचरण और औसतन समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह आज शाम तक एक दबाव के रूप में केंद्रित हो सकता है और उत्तरी तमिलनाडु तट की ओर बढ़ जाएगा। ट्रफ रेखा चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से लेकर मन्नार की खाड़ी तक फैली हुई है। 13 नवंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्रों में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और यह धीरे धीरे तेज होते हुए पश्चिमी उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु में मध्यम से भारी बारिश हुई। आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश हुई। केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। दिल्ली NCR के साथ साथ भारत के गंगा के मैदानी इलाकों का वायु प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय भागों और इससे सटे दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश संभव है। आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। केरल तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में रह सकता है। यह सूचना स्काई मेट के द्वारा दी जा रही है।